खबरें आ रही है। औरैया जिले में बकरीद को लेकर जिला प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर हो, लेकिन जिले के एसपी और जिला अधिकारी का एक और रूप देखने को मिला है। जहां ईद की नमाज के बाद लोगों से गले मिलकर बकरीद की शुभकामनाएं दी, तो वहीं एसपी ने नमाज अदा करने आए बच्चों के साथ फोटो खींचकर उनके हौसला बढ़ाया। वहीं आस्थाना हजरत शाह जमाल में बकरीद की सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की गई। इसके साथ ही डीएमएसपी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे समाज सेवियों ने भी गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मैम, आज ईद की नमाज अदा की गई, कितनी सुरक्षा व्यवस्था रही और क्या माहौल रहा और क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी थाना अंतर्गत ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, QRTs भी लगाई गई हैं। सभी गेस्टेड ऑफिसर्स ने अपना अपना राउंड लिया है, CUSDM ने और मजिस्ट्रेट के साथ हमारे तहसीलदार भी हैं, सारे ड्यूटियाँ पूरी तरीके से लगी हुई हैं और पूरे शहर में अमन शांति है। मैंने और DM साहब ने भी पूरा घूम कर राउंड लिया है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज यहाँ पे जमाल साहब में ईद की नमाज अदा कर दी गई, तो क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको? मैं औरैया जनपद के सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को रबी का जो त्यौहार है बहुत अच्छे से बीते, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सब से अपील रहेगी कि काफ़ी शांतिपूर्वक जो है ये त्यौहार को अदा किया जाए। आगे जो कुर्बानियाँ जो भी नियम बनाए गए हैं उसके तहत ही कार्रवाई होगी और सभी लोग अमन चैन हमारे शहर में बरकरार रहेगा। विवाह का मौका है, ऐसे में कितनी सुरक्षा व्यवस्था, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो पूरे आवाम को ईद उजुहा की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद हम लोगों की तरफ से, और लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोगों की अपील पे जैसा कि लोग वादा करते हैं पीस कमेटी की बैठक में, यहाँ की जनता उसको निभाती है। बहुत ही शांति और अमन के माहौल में लोगों ने नमाज अदा की है। अभी कुछ कस्बों में जैसे कुमकुंदार में नमाज होनी है, वहाँ हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल शांति से लोग अपना त्यौहार मनाएं। इसमें हम उनको ऐसा माहौल देने की कोशिश करते हैं।